TWS ट्रू वायरलेस ईयरफोन लेने के बाद में दोस्तों सबसे मेजर प्रॉब्लम आता है वहाँ पे फॉलिंग का। अब देख सकते हैं हमारे पास में एक जो सो TWS है जो कि मैंने यहाँ पे कानों में लगा रखा है, और इसको जो सो मैं हल्का सा भी इस तरीके से करूँगा या फिर हल्का सा भी टच होगा तो ये दोस्तों निकल सकता है, ग्रिप नहीं है इसमें। लेकिन दोस्तों इसी के प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है हमारे पास में यहाँ पे हैमर के तरफ से, हैमर TWS क्यो करके। तो आप देख सकते हैं हैमर क्यो जो सो बहुत ही अच्छे तरीके से एक जो सो स्पोर्ट्स फॉल फ्री ग्रिप के साथ में आता है, जिसके साथ में दोस्तों आपको जो सो कानों के ऊपर में एक तरीके से ग्रिप बन जाएगा जो कि इसको बिल्कुल भी फॉल नहीं होने देगा। जैसे आप इसे पहन लेते हैं और आप इसके बाद में कुछ भी कीजिए वहाँ पे आपको ये गिरेगा नहीं। दोस्तों ये जो सो आपको मिल जाता है 3599 रुपीज़ का, जो कि अमेजोन पर भी मिल जाएगा और इनके हैमर के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, आप दोनों जगह से परचेज कर सकते हैं। और बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं इसके बॉक्स कंटेंट क्या क्या है। बॉक्स कंटेंट में दोस्तों आपको जो सो अच्छा खासा एक यूनिक डिज़ाइन मिल जाता है बॉक्स का, जिसके ऊपर से आपको जो सील्ड होता है। यहाँ पे आपको दोस्तों हैमर का ये बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर आपको TWS मिल जाता है एंड आप इसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको एक और भी डब्बा मिलता है जिसके अंदर में आपको कुछ ईयर टिप्स एंड चार्जिंग केबल, जो कि आपको माइक्रो USB चार्जिंग केबल एंड ईयर टिप्स वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको एक दो और भी चीज़ें मिलती है, जो कि एक यूज़र गाइड एंड एक वारंटी। आप देख सकते हैं वारंटी रजिस्ट्रेशन, वेलकम जॉइन हैमर फैमिली एंड देन आपको 2 मंथ का एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वारंटी भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी यूनिक है इस प्रोडक्ट के साथ में। मतलब क्या उसको टोटल जो सो आपको 14 महीने का आपको यहाँ पे वारंटी एक्सटेंशन मिल जाता है, मतलब कि वारंटी मिल जाता है 14 महीने का, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे, बढ़िया फीचर है इसका। बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ किया गया है, जो कि बढ़िया प्लास्टिक यूज़ किया गया है, और साथ ही साथ आपको जहाँ पे हैमर लिखा है वहाँ पे आपको टच कंट्रोल भी मिल जाता है। एंड ऊपर से आपको हल्का सा ये लूज़ प्लास्टिक है, जो कि सिलिकन आप बोल सकते हैं या फिर लूज़ प्लास्टिक भी बोल लीजिए, जो आपके कानों के ऊपर में ग्रिप बना देता है, जो कि बढ़िया रहता है और आपको ये फॉल करने नहीं देता है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत देर तक पहनने के बाद में आपको कानों में दर्द होगा, नहीं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तगड़ा ये इस तरीके से नहीं चिपका कर रखता है, हल्का सा लूज़ रहता है, इस वजह से आपके कानों में दर्द भी नहीं होगा, उतना ज़्यादा फील नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यूनिक डिज़ाइन मुझे काफ़ी यूनिक लगा। यहाँ पे आप जो है ईयर टिप्स का भी डिज़ाइन देखेंगे तो आपको बहुत ही यूनिक वजह से आपको जैसे कानों के अंदर में इमर्सिव साउंड देता है, और साथ ही साथ में दोस्तों आपको इन्वायरमेंट से बिल्कुल भी सील कर देता है, तो वहाँ पे आपको जो सो एकदम इमर्सिव साउंड आएगा और बेस भी बहुत अच्छा आता है, तो इसके मामले में ये काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ में आपको ऊपर में भी माइक्रोफोन का भी ऊपर में होल मिल जाता है, तो इसको लेकर के आपको कोई इशू नहीं आएगा। माइक्रोफोन दोनों ईयरबड्स के अलग अलग से माइक्रोफोन है, तो यहाँ पर आपको एक माइक्रोफोन के ऊपर में नहीं रहना है, अगर वहाँ पर जो साउंड जो भी फ्रिक्वेंसी उसको पहले मिलेगा वो फ्रिक्वेंसी को वो वहाँ से कैच कर लेगा। उसी के साथ साथ अगर मैं बॉक्स की बात करता हूँ दोस्तों, तो बॉक्स के अंदर में आपको जैसे ये बॉक्स भी प्लास्टिक का मिल जाता है, जो कि अच्छा है। और डिज़ाइन की बात करते हो दोस्तों, तो इनसाइड में आपको जैसे यहाँ पे ईयरबड्स रखने के लिए पूरा का पूरा फुल ईयरबड्स डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट होगा, जो कि आपको चार्जिंग में भी काम आता है और जो काफ़ी यूनिक डिज़ाइन है। लेकिन दोस्तों यही डिज़ाइन इसका थोड़ा सा एक डाउन पॉइंट भी बन जाता है और एक जो सो प्लस पॉइंट भी बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम प्लस पॉइंट की बात करते हैं, तो जो लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बैटरी को लेकर के, बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है कि उनका जो सो ईयरबड्स बहुत देर तक नहीं चलता है और उनका जो केस है वो भी बहुत ज़्यादा बार चार्ज नहीं कर पाता। तो दोस्तों इस केस के अंदर में आपको जो 500 mAh की बैटरी मिल जाती है, मतलब कि आपको यहां पे आराम से 4 से 5 बार आप जो सो चार्ज कर सकते हैं अपने ईयरबड्स को, जो कि ईयरबड्स के हर एक ईयरबड्स के अंदर में आपको दोस्तों 50 mAh की बैटरी मिलती है, जो आपको 4.5 घंटे से 5 घंटे तक का जो म्यूजिक है ब्लूटूथ के ऊपर में म्यूजिक प्लेबैक मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ अपने यूजेज का, तो मुझे जो यहाँ पे 4 घंटे का आराम से म्यूजिक प्लेबैक मिला, वो भी फुल साउंड पे, मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आया बैटरी के मामले में। एंड दोस्तों उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, बैटरी बड़ा होने की वजह से और जो ईयरबड्स को यहाँ पे रखने की वजह से इस केस को थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है, जो कि इसका मुझे एक डाउन पॉइंट भी लगता है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको आसपास के जितने भी हमारे पास में जो TWS रहते हैं, तो दोस्तों उसके मुकाबले में जो सो काफ़ी बल्की केस है, बड़ा केस है, तो ये जो सो आपके पॉकेट के अंदर में नहीं आने वाला डायरेक्टली, ये आपके पॉकेट में आएगा तो आप जो सो उस पॉकेट में और कुछ नहीं रख सकते, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज़ एक ध्यान रखना होगा कि आपको जो सो ये पॉकेट में नहीं आएगा, पाउच के अंदर में आ सकता है, जो कि इसका एक डिज़ाइन आप बोल सकते हैं डाउन साइड भी है एंड प्लस पॉइंट भी है बैटरी को लेकर के, एंड डाउन साइड है थोड़ा सा बल्की को लेकर।
साउंड क्वालिटी। दोस्तों साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं किया गया है। बेसिकली आपको जो सो बहुत ही अच्छा से इमर्सिव साउंड क्वालिटी मिल जाता है, चाहे आप सॉन्ग प्ले करते हो या फिर आप कॉलिंग में ज़्यादातर यूज़ करते हो, आपको दोनों ही मामले में बहुत ही अच्छे से साउंड आएगा। अब यहाँ पे मैं आपके सामने में कुछ पॉइंट्स रखता हूँ, वो आपको पूरा का पूरा क्लियर कर देगा। सबसे पहले दोस्तों देखो, म्यूजिक के अंदर में आपको जो वोकल पूरा क्लियर है, आप जो सो एक एक लिरिक्स सुन सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आने वाला। बेस भी बहुत ही अच्छा है एंड साथ ही साथ में दोस्तों ये आपको पूरे अच्छे से सील कर देता है कानों को, तो आपको वहाँ पे भी कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट का साउंड नहीं जा करके उसको नॉइज के साथ में और आपको उसके इंटरफेयर नहीं कर सकता म्यूजिक के साथ में। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है जो मैं पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, वो ये है कि अगर आप स्पोर्ट्स के लिए इस मीन इसे परचेज करने का सोच रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक पसंद है, मतलब कि एक TWS के अंदर में भी होता है कि एक मिड होता है, एक हाई होता है और एक होता है बहुत ज़्यादा लाउड, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो सो एक आप बोल सकते हैं मिड वाले पे है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरेंस साउंड का मिलता है, बिल्कुल अच्छे से बेस क्लियर है, लो क्लियर है, हाई क्लियर है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक हो तो दोस्तों यहाँ पे नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। यहाँ पे मैं बताता हूँ तो मुझे काफ़ी पसंद आया, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। लेकिन मेरा एक दोस्त है जो कि जिम वगैरह करता है, उसको मैंने ये दिया था ट्राई करने के लिए जिम के साथ में, तो उसको जो हल्का सा ये फील हुआ कि वो और ज़्यादा लाउडनेस होना चाहिए, इसके अंदर में और ज़्यादा लाउडनेस की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों मुझे म्यूजिक क्वालिटी के मामले में बहुत ही अच्छा लगा। अब आते हैं हम बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी जो कि ऑडियो कॉलिंग के ऊपर में होता है। दोस्तों कॉलिंग जो है यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 के साथ में ये कनेक्टिविटी है, तो आपको कनेक्टिविटी को लेकर के भी कोई इशू नहीं आएगा और कॉलिंग के मामले में बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको दोनों साइड से जो टॉकिंग होता है दोनों ईयरबड्स से होता है, तो आपको कोई इशू नहीं आता है और दोनों ईयरबड्स के वहाँ पे माइक्रोफोन भी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, अगर आप ट्रैफिक के अंदर में होते हैं और ट्रैफिक के मामले में वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉर्न बजता है, तो सेकंड पर्सन को जो है आपका साउंड के साथ साथ में जो हॉर्न का साउंड होता है वो भी थोड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ और भी इंटरफेयर कर जाता है। लेकिन माइक्रोफोन के मामले में दोस्तों कॉलिंग के मामले में कोई भी इशू नहीं है, हमें जो साउंड क्वालिटी आता है जो कि सेकंड पर्सन से आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। कॉलिंग के मामले में दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड रही बात म्यूजिक के मामले में, तो दोस्तों मुझे पर्सनली म्यूजिक के लिए भी बहुत ही अच्छा लगा, ये जरूर से आप एक बार ट्राई करके देखो। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो ये जो सो ईयरबड्स आपको ब्लूटूथ 5.0 के साथ में मिलता है और आपके फ़ोन के साथ में कनेक्शन बहुत ही अच्छे से बना के रखता है। बेसिकली दोस्तों मैंने आज जो इसे ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा दूर तक जा करके भी मैंने ट्राई किया और वहाँ पे भी कनेक्शन के अंदर में मुझे कोई ऐसा इशू नहीं आया। हाँ, जब बहुत ज़्यादा दूर चले जाता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा दूर, जितना दूर आप कभी भी नहीं जा सकते अपने फ़ोन से, मतलब कि अगर आप उतने फ़ोन को छोड़ करके उतने दूर जाओगे तो आपका फ़ोन कोई ना कोई उठा लेगा, उतने दूर अगर आप जाओगे तो आपको जो थोड़ा बहुत वहाँ पे ग्लिच सुनने को मिलेगा, मतलब कि साउंड आता तो जरूर है लेकिन वो थोड़ा बहुत ग्लिच आने लग जाता है। लेकिन दोस्तों एक और भी अच्छा फीचर है, वो अगर आप इसके कनेक्टिविटी के रेंज में दोबारा से जैसे वापस आओगे, अगर ये ब्रेक हो गया है, कनेक्टिविटी ब्रेक हो गया और अगर आप दोबारा से इसके रेंज में आते हो, तो ये फटाक से अपने आप को फिर से कनेक्ट कर लेता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ताकि आपको दोबारा से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फटाफट कनेक्ट हो जाएगा एंड देन आपकी कॉलिंग डायरेक्टली वहाँ पे रिटर्न कॉल हो जाता है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो कनेक्टिविटी के मामले में कोई इशू नहीं है, आप जैसे इसे आराम से यूज़ करके पॉकेट में रख करके या फिर आप कहीं पर भी कैसे भी बैग वगैरह में रख करके थोड़े बहुत आप रनिंग कर सकते हो, या फिर पार्क में जाते हो तो पार्क में अपने बैग में रख कर या स्कूटी में रख करके भी आप थोड़े बहुत आसपास में रन कर सकते हो। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर चले जाओगे तो आपको कनेक्टिविटी थोड़ा बहुत इशू आ सकता है, लेकिन अगर ऐसा सच एज इशू, अगर आप 10 मीटर के अंदर में ही ऐसे ऐसे गोल घूम रहे हो, तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। मैंने यहाँ पर ट्राई किया है और चेक भी किया, जो कि मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो दोस्तों अभी जो हम यहाँ पे डिस्टेंस चेक करने वाले हैं, और बेसिकली गली का जो छोर है काफ़ी लंबे जगह पे आप देख सकते हैं काफ़ी दूर है, तो मैं भी यहाँ पे चेक कर रहा हूँ स्ट्रेंथ। और यहाँ पे मेरा फ़ोन जो है अभी ब्लूटूथ से कनेक्टेड है एंड देख सकते हैं मैंने कॉल भी रखा हुआ है स्पीकर पे। ओके, तो ईयरफोन मेरे कानों पे है और यहाँ पे फ़ोन है और जो मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो देखते हैं कहाँ तक में इसका सिग्नल रहता है स्ट्रेंथ। सो लेट्स चेक। ओके, तो 20 फुट करीब है अभी साउंड, अभी है। हाँ। ओके, तो ये क्लियर है। तो अभी मैं गले के करीब हाफ डिस्टेंस पे आ गया हूँ, ये हो गया 30 से 35 फीट। हाँ, अब अभी है। ओवरऑल तो डिस्टेंस से ज़्यादा दूर जाने पे मुझे यहाँ पे फील आ रहा है फुल्का, यहाँ पे हमें ना कहीं क्लटर हो रहा है, थोड़ा सा छोड़ रहा है, पड़ रहा है। हल्का यहाँ पे अब जैसे मुझे थोड़ा बहुत जैसे हल्का सा लग रहा है कि नहीं आ रहा है साउंड। तो ये तो आइब रहा हूँ हमरा लग। हेलो, हाँ हमरा लग तो आइब रहा हूँ, लेकिन मैं कट रहा हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा बहुत लग रहा है कि डिस्टेंस
वही चेक कर रहा हूँ। अब अभी साउंड हाँ अभी 200 मीटर भाग गए, 200-300 देखिए वो तो से हम देख रहल छिए, देखि छिए ना। अगर मैं सामने होता हूँ तो ठीक हो रहा है, अभी हाँ हाँ आबि रहल हो। 200-100 मीटर 200-300 मीटर हो गया बेटा। हेलो हेलो, देखिए बारिश हो रही है, आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो यहाँ पे अब जाकर के फिर से दोबारा से फेयर हुआ है जो कि 75 फुट है। ये तो लेट्स चेक रनिंग और पर सब हो रहा है। ओके तो जो हमारा साउंड का है करीब करीब 75 यार्ड बोल सकते हैं, फिर फीट बोल सकते हैं, इतने तक में बढ़िया था, क्वालिटी अच्छा था। उसके बाद से क्लटर आना स्टार्ट हो गया एंड देन लास्ट एंड पॉइंट पे हम जाने के बाद में ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। तो स्ट्रेंथ अच्छा है, वहाँ से अपने आप से रिकनेक्ट भी हो गया है, तो रिकनेक्शन में कोई इशू नहीं है। आप जैसे ही हल्का सा भी इसके रेंज में आते तो ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट भी हो जाता है, ये भी अच्छी बात है। एंड रनिंग जंपिंग के मामले में कोई भी आपको इशू नहीं आने वाला। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों गेमिंग के बारे में। यहाँ पे इस टेडोलस को लगा करके अगर आप गेम प्ले करते हो तो आपका क्या रिस्पांस रहता है? तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो इस ईयरबड्स के अंदर में आपको कोई भी गेमिंग का मोड नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। देखो दोस्तों ब्लूटूथ 5.0 जब आपके फ़ोन से कनेक्टिविटी रखता है तो वो जो वहाँ पे लेटेंसी बहुत ही मिनिमल रखता है, मतलब कि आप जैसे पबजी वगैरह खेलते तो उसके अंदर में आपको लेटेंसी बिल्कुल मिनिमल मिलेगा और आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपने ईयरबड्स की वजह से या फिर आप लेटेंसी की वजह से आप मारे गए हो। बेसिकली दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ तो मुझे जो सो पूरे का पूरा एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे राइट साइड से कोई बंदा आ रहा है और वो जो सो टैपिंग वाला साउंड आता है तो आपको जो सो पूरा का पूरा राइट साइड वाले ईयरफोन में सुनाई देगा, अगर लेफ्ट साइड से बंदा आ रहा है तो आपको लेफ्ट साइड वाले कान में सुनाई देगा। तो वहाँ पे मुझे दोस्तों कोई भी लेटेंसी नहीं हुआ है और जैसे ही गोली मारता है तो आपको सुनाई दे देगा और आप जैसे ही मारोगे टक 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 आपको दूसरे वाले अमीर जो आपको सुनाई दे देगा कि आप गोली मार रहे हो। तो इस मामले में दोस्तों पबजी के मामले में मुझे ये ईयरबड्स काफ़ी अच्छा लगा और मैंने इस ईयरबड्स को लगा करके करीब करीब 1 से 1.5 घंटे तक का गेम प्ले किया हूँ जो कि क्लासिक मोड पर पबजी का है और मुझे वहाँ पर भी कोई भी ऐसा इशू नहीं लगा कि मैं इसको अमीन नकार सको। तो दोस्तों गेमिंग मामले में ये काफी अच्छा है, हालांकि इसके अंदर आपको गेमिंग बोर्ड तो नहीं मिलता है लेकिन फिर भी दोस्तों ब्लूटूथ 5.0 के साथ में ये काफी अच्छा है गेमिंग के लिए। एंड दोस्तों अभी हमारे पास में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये जो सो ईयरबड्स मिलता है वो आपको मिलता है IPX रेटिंग 4 के साथ में, मतलब कि आप जो सो थोड़े बहुत पानी के साथ में जैसे बारिश वारिश में बाहर निकल सकते हो, आपको कोई ऐसा सच इशू नहीं होने वाला इसको। एंड साथ साथ में दोस्तों इसके अंदर में कोई भी फिजिकल बटन नहीं है तो आपको बारिश से हार्म नहीं होगा, स्वेट प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं। एंड दोस्तों एक चीज़ मेरे को यहाँ पे बताना था वो है यहाँ पे दोस्तों केस के अंदर में आपको माइक्रो USB मिलता है जबकि आपको यहाँ पे USB टाइप सी नहीं मिलता है। अब ये जो सो किसी के लिए अच्छा भी है, किसी के लिए थोड़ा सा डाउन साइड भी है। अब देखो ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है आपको क्या प्रेफरेंस रहता है। एंड दोस्तों इसके अंदर में आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता है और ना ही आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग मिलता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको जो सो लेना क्यों चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मेरा पॉइंट है लेने का पर्पज़ के लिए, दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप जिम बहुत ज़्यादा करते हो, रनिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि आपको कोई भी टेडोलेप्स ले लो आपका जो सो गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, लेकिन आपका ये जो सो फॉल में नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट मिलता है लेने के लिए ये। दूसरा पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे बैटरी, अगर आपका कुछ भी ऐसा सिनेरियो रहा है कि आपको जो सो बैटरी का बहुत ज़्यादा यूजेज रहा है, मतलब कि आप जो सो बहुत ज़्यादा लंबे लॉन्ग ट्रैवलिंग पे जाते हो और आपको जो सो बीच में 2 घंटे के बाद में आपको निकाल करके टेबल्स को डब्बे में नहीं रखना है तो दोस्तों ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप इसे ले लो, आप आराम से 4-4.5 घंटे तक टेंशन फ्री रहोगे और उसके बाद में भी आपका जो सो केस भी अच्छा खासा यहाँ पे बैटरी बैकअप दे देगा। तो बैटरी के मामले में ये दोस्तों लेने वाला बहुत ही अच्छा है। ठीक है अभी बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ जो मैंने आपको डाउन पॉइंट भी बना दिया और सही वाले सारे पॉइंट्स बना दिए, अब बाकी सारी चीज़ें आपके ऊपर में डिपेंड करता है, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेशन में जरूर से बताना। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो कर दिया लाइक से कमेंट जी, और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को लिए सब्सक्राइब, मैं रोज आपके लिए नया नया वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड वंदे मातरम।